हम खेलने के बाद अब आ जाते हैं कि यहाँ पे कैफेटेरिया में जाएंगे और देखेंगे क्या क्या वहाँ पे ऑप्शन है, और उन ऑप्शन पे ध्यान देके हम चर्चा करेंगे कि खेलने के जस्ट बाद या वर्कआउट के जस्ट बाद क्या खा सकते हैं और कितने देर के बाद खा सकते हैं। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो भूख बढ़ जाती है या वर्कआउट करते हैं तो भूख बढ़ जाती है, बट साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ भूख बढ़ना ही उपयुक्त नहीं है या उसको भूख को शांत करने के लिए कुछ खा लेना भी उपयुक्त नहीं है। साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि आप उस भूख को शांत करने के साथ साथ बॉडी को इस तरीके से काम में लें। हम कैफेटेरिया में जा रहे हैं और हम देखेंगे कि आप भूख को शांत कैसे कर सकते हैं वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट। तो जैसे कि आपने मान लो वर्कआउट किया और आपको लगी भूख और आप आ गए कैफेटेरिया में, और जैसे मैं आ गया तो आप क्या खाओगे, आप फ्राइड खाना चाहोगे, आप क्या खाओगे, आप जो भी चीज़ सामने आएगा उसे खाना चाहोगे क्योंकि आपकी भूख बहुत तेज़ हो गई है। बट ये बात ऐसी नहीं है कि आपको तुरंत कुछ खा लेना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे अभी क्या खाना चाहिए, राइट। तो उसमें ऑप्शन आते हैं, आपको कार्ब्स ज़्यादा लेने चाहिए। अगर आपने लंबा वर्कआउट किया, स्वेटिंग की है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, थक गई है, तो आपको कार्ब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि प्रोटीन की ज़रूरत है तो आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो उसके तरीके होते हैं, नेचुरल सोर्सेज को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। तो उस नेचुरल सोर्सेज में मिल्क लाइट है, कॉ मिल्क ले लें बहुत अच्छा है, और जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। और हम नॉनवेज को रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं तो नॉनवेज के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, हम रिकमेंड नहीं करते हैं। और साथ साथ में आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन से बचें तो वाटर की इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए। लोग बियर लेते हैं, जो लेते हैं एक अलग बात है, बट वो ये सोचते हैं कि बियर से एनर्जी आ जाती है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करना है। हाँ जी बिल्कुल, बियर पी के आपको एनर्जी आती है ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जब आप बियर लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेट होता है एक्चुअली, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको अल्कोहल इंस्टेंट नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए जो कि आपको डिहाइड्रेशन से बचाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर वर्कआउट आपको अल्कोहल नहीं लेना, अगर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए जो कि आपकी डिहाइड्रेशन को रोकता है। इंस्टेंट तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको रिलैक्स फील होता है, बट आगे के लिए बहुत अच्छा नहीं होता वो। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने वर्कआउट किया और आपने साथ साथ में अधिक मात्रा में अल्कोहल ले लिया और पानी का इंटेक कम हुआ, तो आगे आने वाले टाइम में यानी कि 4-5-6 घंटे या 7-8 घंटे के बाद या रात को करके लेके आप ड्रिंक लेके सोते हैं और मॉर्निंग में आपको उस हैंगओवर से आप सफ़र करते हो। तो पानी का इंटेक खूब बढ़ाएं। नॉर्मली अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं और फिर भी आपको लगता है कि अब मुझे कुछ खाना या पीना चाहिए, मतलब पीना चाहिए, ड्रिंक लेना चाहिए, तो भी आपको पानी हमेशा ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि पानी आपके डिहाइड्रेशन को कम करता है, अल्कोहल की मात्रा जो अंदर गई है उसको डिहाइड्रेट करने से रोकता है। तो इसीलिए ये बहुत सारी बातें हैं कि आप अल्कोहल लेते हैं, हम मना नहीं करते, आपकी अपनी चॉइस है, बट साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो वो डिहाइड्रेट कर रहा है, और हम खासकर खेल की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग खेल के गुड़गांव में ओपन है, हर चीज़ हर जगह बार है, लोग इसका ऐसा प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि वो जैसे ही खेलें पानी का इंटेक बढ़ा दें। सोडियम क्लोराइड की चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, साथ साथ में बियर लेते हैं या जो भी वाइन या विस्की जो भी वो पीते हैं उसके साथ पानी का इंटेक और सैलड्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा लें, फ्राइड कम लें, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कम होगी, बॉडी में पेन कम होगा और क्रैम्प कम आएगा। ये चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद।